डॉक्टर शैलजा पांडे, और आज मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज के दिन से हमें पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के जो गुलामी था उससे छुटकारा मिला। तो आज से हम जो है 26 जनवरी 1950 से हम पूरी तरीके से आज़ाद हुए थे। सबको इसकी चीज़ की इस आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक ये है कि मेरे पास कई महिलाएं इस बीच आईं, उनको यूरिन में बहुत इन्फेक्शन रहता है, कह रही थी बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते समय जलन होती है, जब वो पेशाब जाती है तो करने के बाद उनको जलन होती है, किसी किसी को बूंद बूंद करके यूरिन आती है। तो ये जो होता है, महिलाएं सोचती कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं बहुत बड़ी ऐसी परेशानी तो नहीं है। तो ये जो दिक्कत होती है वो यूटीआई की वजह से होती है, जो रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब यूरिन में जो बार बार इन्फेक्शन होता है रिपीटेड, तो उसको हम यूटीआई कहते हैं, तो इसे हम यूट्राइन इन्फेक्शन कहते हैं। तो उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। कई महिलाएं बहुत सेंसिटिव होती हैं बाहर के जो वॉशरूम यूज़ करने से के में, या कहीं बाहर गए हैं रिश्तेदारी में तो उन्होंने कहीं वॉशरूम यूज़ किए किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, या बाहर जो जाते आते पड़ते हैं उसमें, तो उसके बाद कई महिलाएं इन इन्फेक्शन से सफ़र करती हैं। तो किसी किसी महिलाएं में तो ये बार बार रिपीट होता रहता है इन्फेक्शन, और किसी किसी में कभी कभार होता है। तो जिन लोगों में बार बार रिपीट होता है उनको ये टेंशन होती है आखिर मुझे ही ऐसा क्यों होता है। तो वो सेंसिटिविटी पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आप जो है इन्फेक्शन के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उन लोगों को ये इन्फेक्शन बार बार होता है। इसे हम बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब इन्फेक्शन किस टाइप का है ये डॉक्टर को देखना पड़ता है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, वायरल है या फंगल इन्फेक्शन है। तो उस और ईस्ट का इन्फेक्शन है, तो इस तरीके से अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो ईस्ट इन्फेक्शन होता है। तो उसमें अलग अलग टाइप से मेडिसिन का सिलेक्शन करना पड़ता है और पेशेंट को या महिलाएँ होती हैं उनको देना पड़ता है, उसको देने के बाद ही वो क्योर होती हैं। तो मैं उन महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि वो महिलाएँ एक तो सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपने अंडरगारमेंट्स को जो है धो के साफ़ करके डिटॉल या सेवलॉन के पानी में धोएं, उसके बाद उसको धूप में सुखाएं। कई बार मॉइस्चर अगर आपके गारमेंट्स में रह जाता है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन बार बार रिपीट होता है। कि कई महिलाएं क्या होती हैं, वो पूरे तरीके से सूखे हुए कपड़े नहीं पहनती हैं और वो इन्फेक्शन कर देते हैं। कई बार महिलाएं या लड़कियां पीरियड्स के टाइम जो पैड्स यूज़ करती हैं वो या तो लोकल कंपनी के होते हैं या फिर वो उनको कभी कभी सूट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले आप देख लें कि वो लोकल कंपनी के ना हो। बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये जो होते हैं कभी परफ्यूम्ड जो पैड्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को भी इन्फेक्शन हो जाता है जल्दी। दूसरी बात, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से सर्वाइकल इन्फेक्शन, जो सर्विक्स से सॉरी सर्वाइकली सर्विक्स में जो इन्फेक्शन होता है उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये चीज़ें मतलब कंपनी की हो और आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। या फिर किसी महिला गायनेकोलॉजिस्ट से आप पहले एडवाइस भी ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके बाद ही उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूसरी बात ये है कि जो महिलाएं, जो न्यू मैरिड गर्ल्स होती है, जो लड़कियां होती हैं, उन लोगों को भी फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके साथ कई चीज़ें चेंज होती हैं शादी के बाद, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं या उनके जो दिनचर्या में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से उनको यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए वो जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो घबरा जाती कि आखिर शादी के बाद उनको ऐसा क्यों हुआ, तो उसके भी कारण होते हैं। तो उस टाइम पर भी वो अपने सफाई का काफ़ी ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, खाने पीने की हेल्दी डाइट लें, जो डाइट होती है उसमें वो दही खाएं, खट्टी चीज़ें कम खाएं, खाएं मगर कम, जूसी फ्रूट्स लें, पानी अधिक पिए। इन चीज़ों को करने से उनको इन्फेक्शन जो है बार बार रिपीट होने से वो बच सकती हैं, और सफाई का काफ़ी ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि इन्फेक्शन जब होता है तो महिलाएँ जो होती हैं वो क्रीम लगाती हैं और वी वॉश आता है उसका इस्तेमाल करती हैं। नो डाउट आप वी वॉश का यूज़ करें, पर कम से कम हर समय अगर आपका उसका इस्तेमाल करेंगी तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है, तो उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इससे अच्छा तो आप पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेवलॉन या डिटॉल डालकर
उसको इस्तेमाल करें सफाई के लिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेबल है। तो महिलाओं को ऐसा करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है तो तुरंत अपने आप को वो डॉक्टर को दिखाएं। कई बार महिलाएं जो होती हैं वो दिखाने की बजाय और चीज़ें इस्तेमाल करती रहती हैं और नुस्खे यूज़ करती हैं, तो उससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है फिर उसको कंट्रोल करना दिक्कत होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को बुखार आ सकता है, उल्टी जैसा हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, उनके हालात में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उससे पहले अपने आप को जल्द से जल्द दिखा लें तो बेटर होगा। सबसे पहले यूरिन इन्फेक्शन अगर है तो आपको पहले यूरिन टेस्ट कराना चाहिए। यूरिन टेस्ट में जो पस सेल्स आती हैं, जो ईस्ट इन्फेक्शन अगर आ रहा है तो उसमें दिखाई देता है, रेड सेल्स तो नहीं है, ब्लड तो नहीं आ रहा है, इन चीज़ों का उसमें चेकअप किया जाता है। उसको जानकारी डॉक्टर को दें, अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लें। कोई भी दवाई अपने आप से ना लें। होम्योपैथी में यूरिन इन्फेक्शन का बहुत अच्छा इलाज होता है, मगर सबसे पहले जो है आप डॉक्टर को दिखाएं, अपनी डायग्नोसिस कराएं, सही डायग्नोसिस कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, अपनी रिपोर्ट्स कराएं, उसके बाद दवाइयों का सेवन करें। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।